3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद राज्य में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी के चलते पार्टी में कोई विभाजन ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री के चयन पर अभी तक भारी दुविधा बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, 8 दिसंबर को भाजपा ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। भाजपा ने राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम शामिल है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। भाजपा के 3 दिग्गज अब प्रदेश के सभी विधायकों से बातचीत करेंगे और फिर पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इन 3 ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें, रविवार को पर्यवेक्षकों द्वारा विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। फिलहाल भाजपा में मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदारों के नाम और बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ी दावेदार तो राजस्थान की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, जिन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाकर और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब भाजपा के पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार का चयन करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी रिपोर्ट के आधार पर विधायक दल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान किसको सौंपी जाएगी, इस बात का फैसला लिया जाएगा। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।